ओके okay, तो प्यारे बच्चों देखिए पहले पार्ट में हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए हैं एक बार से फिर मैं पहले पार्ट में किए हुए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे टिक लगा देता दूँ देखिए मैंनेडलीव वाला आपने क्वेश्चन कर लिया था याद है कि नहीं याद है है ना मैंडलीव नहीं भाई मैंडिलियन एक्सपेरिमेंट है तो ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया था मैंडिलियन वाला दूसरा ही मैंने आपको करा दिया था राइट द एनर्जी वाला है ना तीसरा क्वेश्चन हो गया चौथा हो गया पाँचवां हो गया छठा हो गया सातवां हो गया ओके और फिर कौन 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 आठवा भी हो गया है ना आठवा नहीं हो गया नहीं हुआ आठवा नहीं हुआ आठवा का ये वाला और वाला करना है चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन देखते ये इसके ऊपर वाला हो गया था पकोड़ा वाला हो गया है हां अगला देखिए द पी एच ऑफ द सॉल्ट यूज टू मेक ट्रिस्टीन क्रिस्पी पकौड़ा इस फोर्टीन आइडेंटिफाई सॉल्ट ये भी हो गया चलो क्वेश्चन नंबर आ, ये भी होगा चले क्वेश्चन नंबर एट वाई आर द मोस्ट कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लो भाई इतना सामान्य सा क्वेश्चन आ गया है मोस्ट कार्बन कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पोअर कंडक्टर क्यों होते हैं भाई हर कोई, कोई जानता है कि जो ये इसमें जो बाउंड हुआ करता है इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है कौन सा होता है इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हुआ करता है और कोवेलेंट बॉन्ड के कारण इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ करते हैं जिसके कारण ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं दूसरा पार्ट पढ़ता हूँ राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सैचुरेट कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज इन अ रिंग ओके एक ऐसे सेचुरेटेड कार्बन का नाम बताओ जिसमें रिंग में है तो भाई साहब आप बना दो साइक्लोहेक्सिन बना दो गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड तो आप, आपको एक साथ में इसमें बताना है कि कितने बॉन्ड प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और साथ में आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो चलो बनाते हैं भाई इसको हाँ बच्चों पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ हम भूल गए थे जिसमें था कि भाई आपको बताना था कि यूज़ ऑफ़ द किसका एन ए है ना एन एस सी ओ थ्री मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल तो बेटा इसका यूज होता है सोडा एसिड फायर एस्टिंग बेटा आग बुझाने वाले एक विशेष प्रकार का आता है यंत्र उसको बोलते हैं हम सोडा एसिड फायर एस्टिंगस क्या बोलते हैं सोडा एसिड फायर एस्टिंगस ओके इट इज ऑल्सो यूज इन इन इनग्रीडियंट इन द एंट एसिड एंट एसिड मतलब पेट में एसिडिटी हो जाए तो इनो काम शुरू सिर्फ दस सेकेंड में है ना तो यस छः सेकेंड में हाँ भाई साहब तो इनो इनो जो होता है बेटा वो क्या होता है एंट एसिड क्या होता है एंट एंट ant मतलब एंटा एसिड हाँ बेटा एंटा एसिड मतलब एसिड को मारने वाला एसिड को मारने वाला खत्म करने वाला इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर में बेटा बेकरी आइटम बनाने में इसका इस्तेमाल हुआ करता है चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर एट अपन ने पूछा था क्वेश्चन नंबर एट ये था देखो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर एट ये है हा वाई आर द मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहला तो ये था तो भाई इसका आंसर पढ़ लेते हैं कार्बन कंपाउंड डू नॉट डिसोसिएट इन द फॉर्म ऑफ आयन इलेक्ट्रिसिटी बोले तो किसका ध्यान दोगे आयन का रिमेन इन एज मॉलिकुल ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्डिंग ड्यू टू द दब्जेंस ऑफ द दब्जेंस ऑफ आयन दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाह 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 चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई साहब अगला क्वेश्चन कह रहा है गिफ् द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड मगर कौन से वाले में रिंग वाले में कह रहा हैं कि रिंग का कंपाउंड बनाओ सैचुरेटेड सैचुरेटेड मतलब बेटा सारे सिंगल बॉन्ड बोलो हाँ तो आपने बोला साइक्लो हेग्जी क्या बोला साइक्लो हेगेगेगजीन तो आपको पता बेटा, बेटा छह कार्बन एक दो तीन चार पाँच छः बोलो हाँ और हर कार्बन दो तरफ से खुला हुआ है तो बेटा कितने बाकी दो दो और दो चार चलो काउंट कर लो तो एक दो तीन चार पाँच छः ही हो गए इसके बाद सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और कितना अठारह अठारह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एटीन तो भाई साहब तो टोटल कितने बॉन्ड होंगे यहाँ पेटीन सो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इक्वल टू एटीन पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा चलो भाई साहब फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हो गया अगला क्वेश्चन भाई साहब नेम ईच ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंड्रोक्राइन ग्लैंड एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन भाई थायराइड 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 कहां से निकलता है ये तो मेरे को ही पता है यार है ना थाक्सन ग्लैंड से किस ग्लैंड से हाँ, अभी पिटूरी से क्या निकलता, भाई पितुरी, पितुरी से निकलता तो हाँ, ग्रोध ग्रोध है भाई साहब बताओ पिटूरी पिटोरी हार्मोन कहाँ से निकलता है हाँ ये ग्रोथ हार्मोन है कहाँ से निकलता है पिटरी ग्लैंड से है ना पेंक्रियास तो कहाँ से निकलता है चलो आपके ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं आंसर में देख लेते हैं देखिए थायराइड हार्मोन से कलेटेड भाई थाइरॉक्सिन होता है थायराइड थारो, थारो, जो होता है थायराइड से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा है थायरॉक्सिन है थाइरोडायरॉन क्या है भाई साहब अनकलैसीटोनिन है और इसके फंक्शन क्या होते हैं इर्ट रेगुल हाइड्राइड प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है बेटा याद कर लेना देखो लो यार मेरे को तो बायोलॉजी का को कोई ज्यादा ज्ञान है नहीं पिचुरी पिचुरी हार्मोन सिक्रेटेड ग्रोथ हार्मोन देता है फंक्शन क्या है इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी पेंक्रियास जो हार्मोन देता कौन सा इंसुलिन एंड ग्लू ग्लूकागोन ग्लूका इसके फंक्शन क्या है इंसुलिन रेगुलेट द डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर को क्या करता है रेगुलेट करता है ग्लूकागोन रेगुलेट द इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल मतलब ग्लूकागोन भी रेगुलेट करता है इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल को दोनों का काम लगभग लगभग एक ही जैसा है ना चलो बाकी ज्यादा ठीक है अपन को बायोलॉजी आती नहीं है ठीक है ना ज्यादा बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं राइट वन मेन डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच स्पीसीज लाइकली टू हैव कंपरेटिवली बेटर चांस ऑफ द सर्वाइवल ओके द वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली और वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली ओके गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर मतलब कहता सर्वाइवल के किसके ज्यादा चांसेस है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है चलो देखो इन सेक्सुअल रिपोडक्शन टू अपोजिट सेक्सेस आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल जी मेड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वेयर इन ए सेक्सुअल नो जी मेट फॉर्मेशन अकर्स इसमें कोई जीमेट फॉर्मेशन होता ही नहीं है जबकि इसमें मेल और फीमेल जीमेट फॉर्मेशन हुआ करता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम हैव बेटर चांसेस टू सर्वाइवल बिकॉज वेरिएशन आर जनरेटेड क्योंकि इसमें वेरिएशन जनरेट हुआ करते हैं बोलो समझ में आ गया बोलो क्लियर है कि नहीं है भाई साहब चलो भाई साहब बहुत बढ़िया क्लियर है, है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ये हो गया अगला क्वेश्चन देखिए यस देखिए स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड ब्राइट एक्सप्रेशन एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर द रिलेट विद द स्पीड ऑफ द लाइट एंड वैक्यूम बहुत बढ़िया सारे क्वेश्चन दे दिया लाइट की थोड़ी जानकारी मांग ली है ना केल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बातों बच्चा बच्चा जानता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्शन uh, बोल गया सॉरी बच्चों रिफ्रैक्शन आर लगा है ओके इन एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ लाइज ऑन द सेम प्लेन दूसरा द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले तो साइन आई एंड टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोले तो साइन आर ओके हैविंग अ सेम रेशियो हैविंग अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कितना कॉन्स्टेंट हो गया अब एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने बता आपको बताया था एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम भी बोलते हैं इसको एन मीडियम भी बोलते हैं दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम Yes or no? upon speed of light in मतलब सी अपॉन कितना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यू टू दीड ऑफ द लाइट इन मीडियम दैट इज मू मीडियम बेटा इसको एन एम से भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एन एम आपकी बुक में एन एम भी चलता है क्या चलता है एन एम मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेटा देखो समझो बेटा ध्यान से समझो एन का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू का मतलब इंडेक्स का मीडियम का मीडियम के लिए क्या लगाते हैं एम लगाते हैं क्या लगाते हैं

देखो ये सिंबल जो है थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है आप केवल यही लिख करके आओ एन यहां लिखो बोलो हां किसका मीडियम का किसका मीडियम का बस इतना लिख दो अगर आप इसको एन एम लगा दो और विद रिस्पेक्ट टू एयर लग दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है हाई लेवल में आप क्या लिखते हो म्यू एम और यहां पर भी क्या आता है ए आता है ओके मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर बोलो क्लियर हो गया एनी प्रॉब्लम ठीक है ना तो आप सीधे एन एम लिखो यार क्यों टेंशन ले रहे हो एन एम इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम तो हो गया सी अपॉन वी बोलो क्लियर हो गया ही नहीं हुआ चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं व्हाट इज द मेंट बाय पावर ऑफ द लेंस तो भाई फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं एसआई यूनिट यूनिट ए स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर राइट द नेचर एंड पावर ऑफ द ईच लेंस तो दो प्रकार के लेंसेस आपको दिए गए हैं इसकी पावर बतानी देखो भाई साहब देखो पावर ऑफ अ लेंस इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन बोल दी मुझसे भी अच्छी डेफिनेशन मैंने तो क्या बोला रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इसने बोली किसी लेंस की क्षमता लाइट को मोड़ने की मोड़ने की या डाइवर्स करने की मतलब कन्वर्स करने की या डाइवर्स करने की पास में सिकोड़ने की या दूर दूर करने की जो पावर होती है जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं फोकल इसको बोलते हैं इसकी पावर सो पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज डाइवर्ज ऑफ ए डिपेंडिंग ऑन इट्स इट्स फोकल 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 लेंथ 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 इट इज डिफाइंड एज द द ऑफ इज मेजर्ड इन मीटर्स याद रखना द एस आई यूनिट ऑफ द पावर इज अ लेंस इन डायप्टर चलो भाई साहब दो दो क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे देखिए पावर ऑफ द पहला पहला फोर्टी सेंटीमीटर को मीटर बदल दो बोलो जीरो पॉइंट फोर वो भी नहीं हुआ और जीरो पॉइंट फोर का डिवाइड कर दो बोलो कितना आ गया टू पॉइंट फाइव बेटा पॉजिटिव आ रही है पॉजिटिव मतलब कॉन्वैक्स है कॉस्टिव मतलब कॉन्वैक्स है तो पावर ऑफ अ कॉन्वैक्स लेंस इज पॉजिटिव बिकॉज फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है सो द स्टूडेंट यूजिंग कौन सा लेंस लेगा आपको फोर्टी सेंटीमीटर का कॉन्वैक्स लेंस इस्तेमाल पड़ेगा बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ yes, तो अगर उसको अगर उसको फोर्टी सेंटीमीटर का एक मिनट क्या दिया गया है हाँ अगर आपको 40 सेंटीमीटर का दिया गया मतलब उसकी पावर आपने निकाल लिया टू पॉइंट फाइव डायप्टर इतने का इस्तेमाल करेगा 40 सेंटीमीटर दूसरा वाला पार्ट देखते हैं बेटा ये तो पहला वाला पार्ट हो गया डन चलिए दूसरा वाला पार्ट देखिए दूसरे वाले में आपको जो फोकल दी गई है बेटा माइनस ट्वेंटी दी गई बोलो हाँ ना माइनस ट्वेंटी मीटर निकाल लिया अपने माइनस ट्वेंटी को मीटर जीरो पॉइंट टू डिवाइड कर दिया बेटा फोकस में, मैंनस है माइनस है याद रखना गया माइनस फाइव डॉप्टर बेटा होगा तो पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस एट नेगेटिव फोकल क्योंकि इसकी फोकल होती स्टूडेंट हुई दाइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर हुआ बच्चे को नहीं हुआ अगले क्वेश्चन में चलें चलो, वुड यू ज्वाइन थ्री रजिस्टर इच रजिस्टेंस नाइन सो दैट द इक्विवेलेंट रजिस्टेंस इक्वल टू थर्टी पॉइंट फाइव और नो बेटा अच्छा नाइन से ज्यादा है बोलो हाँ है ना मतलब नाइन से ज्यादा मतलब सीरीज का कमाल दिखाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा ना मतलब मेरे को लग रहा है एक सीरीज में और बाकी दो काय में पैरल में तब शायद हो पाएगा तो चलो देखते हैं तीसरा है सिक्स कितना क्या है सिक्स है तीसरा क्या है सिक्स है तो तीसरा सिक्स है मतलब मेरे ख्याल से तीनों को अपन को पैरल में लेना पड़ेगा तब ये सिक्स बन जाएगा खैर अब देखते हैं वो तो बनाना पड़ेगा अपन को चलिए देखते हैं भाई पहला कैसे बनता है ये देखो भाई साहब थर्टीन पॉइंट फाइव बना है थर्टीन पॉइंट फाइव तो थर्टीन पॉइंट फाइव नाइन से क्या होता है ज्यादा होता है तो नाइन से ज़्यादा होता है मतलब पक्का नाइन के सीरीज में कोई ना कोई तो आएगा अब दो नो है तो अपन ने ऐसा कर लिया बोलो हाँ है ना तो पहले इन दोनों का पैरल निकालिए लिया नाइन और नाइन का बड़ा फॉर्मुलना पा आर पैरल इक्ल टू बना पॉन आर वन प्लस आर टू देखो कितना प्यारा है इसको थ्री ले लिया इसको टू ले लिया तो कह आर टू थ्री का पैरल इक्वल टू बना पॉन आर टू प्लस वा पॉन आर थ्री ऐसा कर लिया बोलो कितना आ गया फोर पॉइंट फाइव आ गया और नौ के सीरीज में फोर पॉइंट फाइव तो नौ प्लस फोर पॉइंट फाइव बोलो साढ़े तेरह हुआ कि नहीं हुआ बोलो बन गया ना हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चलो अगला वाला देख लो अगला वाला अपन को कितना चाहिए बेटा छह कितना चाहिए छः चाहिए कम चाहिए ना तो पहले तो अपन ने क्या किया पहले आप सोचो कि यार तीनों को कहीं पैरल करके देख लो कम हो जाएगा तो तीनों को पैरल करके देखा तो एक बटे नौ प्लस एक बटे नौ प्लस एक बटे नौ तो कितना आ गया बेटा तीन बटे नौ कितना आ गया वन बाई थ्री पल्टी मारा तो कितना हो गया थ्री हो गया मतलब कुछ ज्यादा ही कम हो गया हो गया कुछ ज्यादा कम बटा अपन को कितना चाहिए अपन को चाहिए कितना चाहिए अपन को छः चाहिए कितना चाहिए छह तो अपन ने दो यहाँ पे सीरीज में ले लिया और दोनों के साथ इसको क्या ले लिया पैरल में बोलो ए सौ नौ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दो सीरीज में ले लिया तो नौ और का नौ कितना अठारह कितना हो गया अठारह अठारह के साथ वन पॉइंट अठारह प्लस वन पॉइंट नो सॉल्व करने पर बोलो कितना आ गया सिक्स होम बोलो क्लियर है तो ये कॉम्बिनेशन बेटा आपको वहीं पर बिठाल करके देखना पड़ेगा थोड़ा मेहनत लगनी पड़ेगी दिमाग की थोड़ी सी आपको मल, कसरत करनी पड़ेगी उसके बाद आप कर पाओगे बोलो क्लियर है बच्चों चलो वेरा जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ जूल्स लॉ की तरफ राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जूल्स लॉ का हीटिंग का लिखो और उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया गया खतरनाक सा पहले जूल्स लॉ पढ़ते हैं देखते हैं जूल्स लॉ क्या होता है ओहो कल ही मैंने पढ़ाया था जूल्स लॉ आप लोग को याद है हाँ जूल्स लॉ किसके लिए लिखता है हीटिंग के लिए अमाउंट ऑफ़ हीट क्यों सो करते हैं क्यू से क्यू से या एच से भी करते हैं दोनों चीज़ इज प्रोड्यूस रजिस्टर वेन करेंट आई फ्लो थ्रू इट नंबर वन डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ द करेंट एच इज प्रपोर्शनल टू आई स्क्वायर बेटा यहाँ पे क्यू की जगह एच कर देना क्या कर देना क्यू की जगह एच क्योंकि इसने क्वेश्चन एच में ले रखा है बेटा इसने एच ले रखा है देखो ना एच ले रखा है ना बेटा देखो बेटा <laughs> देखो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एच इज प्रोपोर्शनल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर एच प्रपोशनल टू टी बोलो ये सो तो तीनों को मिला दिया एच प्रोपोशनल टू आई स्क्वायर आर टी कॉन्टेंट गैप कर दिया एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इसको बोलते हैं जूल का नियम बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो ये कहलाता है जूल का नियम एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी एनी प्रॉब्लम बच्चों चलो फिर आ जाए अगला क्वेश्चन में टू लैम्प वन रेटेड सौ वाट दो सौ बीट वोल्ट मतलब पहला बल्ब है भाई साहब जिसमें लिखा है कि अगर इसको दो सौ बीस वोल्ट का दनादन वोल्टेज दोगे तो ये कितने से जलेगा सौ वाट से बोलो हाँ और दूसरा लिखा है कि अगर आप 60 वाट से जलेगा जब इसको 220 वोल्ट दोगे तो दूसरा जो बल्ब है वो कह रहा है कि मैं 60 वाट से जलूंगा जब आप मेरे को कितना दोगे 220 वोल्ट बोलो यसानू अब इनको पैरेलल में जोड़ दिया गया है किससे जोड़ दिया गया है पैरल में फाइंड द करेंट ड्रॉन बाई द बल्बस इफ द सप्लाईज़ टू ट्वेंटी वोल्ट वाह भाई मतलब इसकी खपत कितनी मांग रहा था दो सौ बीस और ये कितनी मांग रहा था 220 बोलो हाँ मतलब अपनी एक्चुअल पावर देंगे क्योंकि ये 220 पे कितना देता था 100 और ये 220 पे कितना देता था 60 तो चलो जोड़ दो इनको भाई साहब ये देखिए ये अपन ने 220 को देखिए इस तरीके से तो बल्ब अपन बना देते हैं चलो ये सिस्टम ले लिया एक ये ले लिया और ये आपने जोड़ दिया इसको दो से बोलो आया ना अब पहला वाला बेटा जो है कितना है सौ वाट का है बोलो हां सौ वाट का है तो आपको पता आप कह रहा कि टोटल करंट आप, आपको करंट निकालनी है क्या निकालनी है करंट बेटा आपको पता है पी इक्वल टू कितना होता है वी आई हाँ या ना तो पहले वाले बल्ब के लिए आई इक्वल टू पी अपॉन वी होगा कि नहीं होगा बोलो पी अपॉन वी पहले वाले बल्ब में बोलो पी कितना है सौ और वी कितना है दो सौ बीस बेटा सॉल्व कर लिया बोलो कितना का जीरो पॉइंट दूसरे वाले बल्ब में निकालना बेटा करेंट इन द सेकेंड बल्ब करेंट इन द सेकेंड बल्ब बेटे आई ये गलती से पीछ लिख दिया है तो आई टू इक्वल टू पी टू अपॉन भी दूसरे वाले की पावर कितनी बेटा साठ हाँ है ना और वोल्टेज कितनी है 220 बेटा कितना आ गया सॉल्व करने पर 0.27 बोलो ये सौ नो 0.27 क्लियर है कि नहीं क्लियर है बस तो आपको जीरो अरे कुछ नहीं खालतू है जीरो बोलो आ गया समझ में आ गया मतलब ये वाला जो पहला वाला बल्ब है सौ वाट वाला वो कितनी करेंट ले रहा है 0.45 और ये जो दूसरा है ये कितनी करंट ले रहा है जीरो पॉइंट टू सेवन अगर आपको बोल देता टोटल करंट निकालो तो इन दोनों की करंट को क्या कर देते ऐड कर देते जीरो पॉइंट फोर फाइव और प्लस जीरो पॉइंट टू सेवन तो ये बैटरी से निकलने वाली टोटल करंट आ जाती है ना सात और पांच बारह बारह की दो चार और दो छः के साथ सात आंसर जीरो पॉइंट सेवन टू जीरो पॉइंट सेवन टू बट पूछा नहीं है बच्चों कोई बात नहीं नहीं तो जीरो पॉइंट सेवन टू एम कुल करंट आती बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं है। चलें फिर भाई साहब चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कह रहा है लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज शेप ऑफ द वायर डिपेंड कह रहा है कि बताइए ऐसे फैक्टर बताइए जो कंडक्टर जो रजिस्टेंस होता है जिन पर डिपेंड करता है ऑन विच द रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ द वायर डिपेंड्स मतलब आपको ऐसे फैक्टर बताने हैं जिन पर रजिस्टेंस डिपेंड करता है और शेप ऑफ द फैक्टर्स के तो एरिया ऑल लेंथ वाई आर द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेरस ग्लास इज अ बैड कंडक्टर भाई फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं तो कायको का ग्लास गुड कंडक्टर बोलो हाँ है ना वाई आर द एलवायस कॉमनली यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल हैविंग हीटिंग डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज में आप एलवाय का यूज़ क्यों करते हैं क्योंकि एलवायस की स्पेसिफिक रजिस्टेंस क्या होता है ज्यादा होता है क्या होता है ज्यादा होता है और आपको पता है कि आर इक्वल टू रो एलापॉन ए अगर रो ज्यादा होगा तो रजिस्टेंस ज्यादा होगा और रजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग भी ज्यादा होगी चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं यस yes. चलिए देखिए बच्चों नंबर वन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ मतलब आर प्रोपोर्शनल टू एल हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया मतलब आर प्रोपोर्शनल टू प्रोपोशनल अपॉन ए हो गया तीसरा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल व्हिच इज मेड सम मटेरियल हैव द लो रजिस्टेंस वेर इस अदर हैव द मच हायर रजिस्टेंस मतलब कुछ का खुद का रजिस्टेंस लो होता है कुछ का ज्यादा होता है द रजिस्टेंस ऑफ ये भाई ये तीन फैक्टर हो गए बोलो क्लियर हो गया चौथा एक और फैक्टर बता रहा है द रजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा इंक्रीजेस ऑन राइजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर ये भाई फैक्टर की बात हो गई फैक्टर यहां पे खत्म अब आ जाओ भाई इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी कि भाई मेटल क्यों होते हैं और कांच क्यों नहीं होता है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आर क्या बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन विच कैन मूव फ्रॉम एटम वन एटम टू द अनदर एटम थ्रू आउट द कंडक्टर जो कि एक एटम से दूसरे कंडक्टर कूद भाग कर सकते हैं या कह लो कि पूरे कंडक्टर के अंदर वो है फ्रीली घूम सकते हैं बोलो ये सोनू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्लास इंसुलेटर आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ दे एटम मतलब उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होते नहीं है सो इट इज द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलो क्लियर हो गया चलो अगला कह रहा है कि बताइए आप एलवाई का यूज क्यों करते हो भाई एलवाई की जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है ज्यादा होती है तो रजिस्टिविटी एलवाई ने जनरली हायर देन द इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल एलवाई डू नॉट ऑक्सीडाइज हाँ बेटा जो मेटल होता है अगर मेटल को आप गर्म करोगे यदि आप प्योर मेटल को गर्म करोगे तो उसमें बर्न हो जाएगा आग लग जाएगी जैसे जिंक को आपने लैब में जलाया होगा आग लग जाती है जिंक का टुकड़ा में है ना बर्न हो जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर वन पहली एक्टिविटी का आपने देखा होगा सोडियम में आग लग जाती है बट बेटा अगर आप एलवाई बना लोगे इनका तो इनमें आग नहीं लगेगी मतलब ऑक्सीडाइज नहीं।, नहीं होते हैं समझ गए ना ऑक्सीडाइज नहीं।, नहीं होते डायरेक्टली हाई टेंपरेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होते फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बोलो क्लियर हो गया बोलो आगे बात समझ में कि नहीं आई चले आगे ना चलो भाई साहब ये देखो पूरी कथा लिखी हुई है अगली क्वेश्चन पढ़ने को भाई मैं पढ़ता हूं आराम से स्टूडेंट इन अ स्कूल लिसन लिसन ओके टू द न्यूज़ एल आई एस टी एन लिसन टू द न्यूज़ रीड मॉर्निंग असेंबली दैट ए माउंटेन ऑफ द गार्बेज इन दिल्ली दिल्ली में एक कूड़े का पहाड़ है सडनली एक्सप्लोडेड इन वेरियस व्हीकल्स गॉट बरीड बरीड अंडर इट मतलब फट गया और इसके अंदर जो है इसके अंदर बहुत सारे जो व्हीकल्स uh, हैं वो समा गए अंदर हो गए बरीड अंडर इट सेवरल पीपल वल्सो इंजर्ड देयर आर ट्रैफिक जाम अराउंड उसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए ट्रैफिक जाम लग गया in the brainstorming session of the teacher also discussed this issue asked the student to find out the solution for the garbage finally they arrived to the two main points one is self-management of the garbage we uh, we produce and the second is to generate less garbage at individual level suggest two measures to manage the garbage we produce second एज एन इंडिविजुअल वॉट कैन वी डू जन वॉट वी डू टू जनरेट लीज गारेज गिव टू पॉइंट थर्ड लिस्ट टू वैल्यूज ऑफ द टीचर इंस्टिल्ड टू इन हिज स्टूडेंट इिस एपिसोड चलो भाई तीन क्वेश्चन आपको पूछे गए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मतलब ये क्वेश्चन ऐसे कि आपके पास थोड़ी सी नॉलेज हो अगर इन्वायरमेंट के बारे में तो आप जानकारी दे सकते हो चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि गार्बेज मतलब कचड़े को मैनेज करने के उसने कुछ मेजर्स मांगे मैनेज करने के कुछ पॉइंट मांगे नंबर वन तो गार्बेज प्रोड्यूस कैन बी मैनेज बाय नंबर वन कंपोस्टिंग क्या है भाई साहब कंपोस्टिंग okay. कर दो बायोगैस जनरेशन कर दो सेग्रीगेशन कर दो सेफ डिस्पोजल कर दो वर्मी कंपोस्टिंग कर दो या इन

Uh, so that they can be reused उनको uh, and uh, reduce wastage of food food का wastage बंद कर दो क्योंकि food जो होता है गीला कचरा कम कर दो buy things we with less packaging to produce to reduce the production of waste मतलब कि ऐसी चीजें खरीदो जिनमें less package हो क्या हो less package packing मतलब ना हो तो जिससे कि waste जो है कम बचे चलो अब टीचर की वैल्यूज तो भाई बहुत है भाई कल टीचर जो है बच्चों को अवेयर कर रहा है नॉलेज दे रहा है तो हाई डिग्री ऑफ जनरल अवेयरनेस ड्यूटी टू द सोसाइटी एंड द नेशन एंड एनवायरमेंटल कॉन्सियसनेस साइंटिफिक एटीट्यूड ये टीचर की आपको वैल्यू दी गई है बोलो क्लियर है ना आगे चल सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज अ डैम डैम क्या होता है पानी को रिजर्व करने का एरिया होता है हाई एल्टीट्यूड पे बनाए जाते हैं डैम व्हाई डू वी सीक बिल्ड लार्ज डैम व्हाई डू वी सीक टू बिल्ड लार्ज डैम वाइल बिल्डिंग लार्ज डैम्स विच थ्री मेन प्रॉब्लम शुड पर्टिकुलरली टू बी एड्रेस मेंटेन पीस अमंग द लोकल पीपल मेंटेन देम भाई सब ध्यान दीजिए कि जब आप डैम बनाते हो तो लोकल पीपल को क्या प्रॉब्लम आती है बहुत ही कॉमन भाई भाई प्रोसेस है हट गया सिलेबस में चलो ठीक है तो भाई ये कह रहा है कि डैम्स आर द लार्ज रिजर्वर बिल्ट अक्रॉस द रिवर स्ट्रीम्स टू कलेक्ट द यूटिलाइज फ्लो ऑफ दॉटर ह्यूमन पर्पज टू द इगेशन एंड जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वी सी टू बिल्ड लार्ज डैम ऑर्डर टू इंश्योर द स्टोरेज ऑफ द एडेकुएट वाटर फॉर द इरिगेशन एंड द आल्सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये बात तो सही है कि इसके लिए अपन को जो है लार्ज डैम बनाने पड़ते हैं ये बात तो इतनी बिल्कुल सही है डन तो भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ़ द लॉर्ज एम सोशल प्रॉब्लम बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मतलब वहाँ के बहुत सारे लोगों को क्या हुआ था वहाँ से हटा दिया जाता है तो उनको कंपनसेशन नहीं मिलता घर वगैरह नहीं मिलता उनको रिहेबिलिट नहीं किया जाता है तो वहाँ पर नुकसान होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है भाई साहब क्योंकि बहुत सारा पब्लिक मनी विदाउट द जनरेशन ऑफ़ द प्रोपोशनेट बेनिफिट जो होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि लोग वहाँ के कहीं जाते हैं तो वहाँ पर उनको चीज़ें नहीं मिलती है रोज़गार नहीं मिलता है इन्वायरमेंटल क्या होता है देखो बहुत सारी जो इन्वायरमेंटल स्पीशीज़ होती हैं एक बायोडाइवर्सिटी होती है डैम एम बनाने से पूरे पूरे पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर सब के सब पानी के नीचे आ जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं मर जाते हैं और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है मतलब बहुत सारे जंगल काट दिए जाते हैं ये सब चीजें खत्म हो जाती है बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो ये वाला तो सिलेबस से हट चुका है तो 17 क्वेश्चन एक मिनट सिक्सटीन तो अपन ने करा ही नहीं भाई तो सिक्सटीन तो कर ले पहले राइट द स्टेप इनवॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल क्यों हट गया क्या एक्सट्रक्शन ऑफ एक्सट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज एक्सट्रक्शन कार्बोनेटोर राइट द स्टेप इनवॉल्व इन द एक्सट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज कार्बोनेटोर कह रहा है भाई जो कार्बोनेटोर बनाते हैं उनके लिए क्या रूल लगाओगे उनके लिए लगता है कैल्सिनेशन क्या लगता है कैल्सिनेशन चलो अगला पार्ट देखते हैं हाउ इज द कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सल्फाइड और कॉपर को सल्फाइड से कैसे प्राप्त किया जाता है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप सपोर्टेड बाई द केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन भी लिखो सारे स्टेप भी लिखो ड्रॉ लेवल डाइग्राम फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर बेटा मैं ये कह रहा हूं ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बार बार टकरा टकरार हम लोग को बार बार ओके okay, तो कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देखते हैं बड़े प्यार से इस आंसर को देखते हैं बेटा देखिए क्या क्या करते हैं सबसे पहले आप करते हो अगर कार्बोनेट हो सबसे पहले क्या करते हो कैल्सिनेशन क्या करते हो, क्या करते हो? क्या करते हो? कैल्सिनेशन करते हो कैल्सिनेशन मतलब उसको जो है आप उसको लो आ, लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे आप उसको बर्न करते हो बर्न करते हो है ना रोस्टिंग मतलब हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैल्सिनेशन मतलब लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनाता है वो अपना कार्बोनेट बनाता है क्या बनाता है कार्बोनेट कार्बोनेट बनाकर उसका रिडक्शन कराते हैं क्या कराते हैं रिडक्शन जिससे उसका कार्बोनेट सॉरी कार्बोनेट नहीं ऑक्साइड बनाता, बनाता है बेटा ऑक्साइड बनाता है ऑक्साइड बनाने के बाद हम क्या कराते हैं ऑक्साइड का रिडक्शन करा देते हैं

एक्सेस एयर तो देखो ये कॉपर है अपने पास कॉपर का फॉर्मूला क्या सी टी सी यू सी यू टू एस कॉपर की जो ओर होती है सी यू टू एस है ना ये कॉपर की ओर है कॉपर की ओर है क्या करोगे भाई साहब इसमें रोस्टिंग कर दो रोस्टिंग मतलब रोस्टिंग मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन बेटा ये चीज़ अलग है ये चीज़ अलग है आपको ये मैं दिखा रहा हूँ ये अलग क्वेश्चन है ये कॉपर का प्योरीफिकेशन है ये क्या है कॉपर का प्योरिफिकेशन तो कॉपर की प्योरिफिकेशन के लिए आप कॉपर की जो ओर होती है कॉपर सल्फाइड कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ आपने रोस्ट कर दिया हाई अमाउंट के साथ तो देखिए क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ये बन गया टू एस ओ टू बोलो हाँ ना हाँ. मतलब सल्फर अलग हो गया अब आपके पास कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिला इस ऑक्सीजन को हटाना कि नहीं हटाना है हाँ. तो आपके पास जो बन के आया है टू सी यू टू ओ इसके साथ खुद में कॉपर सल्फाइड मिला दो जो पहले वाला है हाँ. मतलब खुद और ही इसका रिडक्शन करती है क्या मजे की बात है बोलो हाँ है ना हाँ. मतलब जो खुद और है जो बनाने वाला है वही उसको और बना रहा है रिडक्शन कर रहा है है ना मतलब जो और था वही रिडक्शन करेगा तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन खा लेगा इसका तो एसओ टू अलग कर देगा और प्योर कॉपर अलग हो गया बोलो बात क्लियर है अब इसके बाद भैया इन लोगों ने इसका डायग्राम बनाने को बोला है तो बना दो ये डायग्राम बना लिया ये देखिए भाई साहब ये एनोड है एनोड क्या होता है बेटा इम्प्योर क्या होता है एमप्योर तो ये देखो एनोड के नीचे मिट्टी जमी हुई है ये इम्प्योर मेटल का बनता है एनोड बोलो ऐसा नो एनोन मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव से प्लस प्लेट से जोड़ दिया एनोड हो गया और ये कैथोड है कैथोड किसका बनता है बेटा प्योर का किसका बनता है प्योर का और जिस चीज को उसका जिस चीज को आपको साफ करना है उसी का सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं तो ये कॉपर है तो सी यू एस ओ फोर का यूज करेंगे ये देखो टैंक टैंक हो गया है ना एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट एसिडिफाइड इसलिए बेटा क्योंकि थोड़ी सी इसमें आयनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो पाए समझ में आ गया ना बोली क्लियर है चलिए तो ये हो गया आपके पास अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जो है सिलेबस से बाहर हो चुका है है ना मॉडर्न पीरियड टेबल हट चुकी है यहाँ से डोबर नियर वाला काम ख़त्म हो चुका है तो इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो इसको बस जब आएगा तो देखेंगे अभी तो फिलहाल के लिए ये हट चुका है तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे है ना डोबर नियर पीरियड टेबल न्यूलैंड की पीरड टेबल एंडलीप की पीरियडेबल हेनरी मोसले क्या क्या किसने दिया था ये सब पूछा गया है छोड़ दो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर एटीन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं मैंशन एनी टू कंपोनेंट ऑफ फूड फूड के कंपोनेंट बताओ ट्रेस द मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजनेटेडेडेडेडेड ब्लड इन द बॉडी राइट द फंक्शन ऑफ द वॉल्स प्रेजेंट इन द आर्टरी एंड वर्टिकल्स राइट वन ऑफ द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द कम्पोजिजिशन आर्टरी एंड वेन्स ओके चलो भाई चार पार्ट शुरू के लिए अठारह के देख लो भाई साहब रट्टा वाले पार्ट हैं कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड आर प्लास्मा रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स ये हैं भाई साहब आपको याद रखना पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स से कहां पर जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जाता है फिर आउटो जमा जाता है और फिर कहां जाता है बॉडी

फाइबर्स तो ये इलास्टिक अर्टरीज और उसके बीच में वेंस के बीच का डिफरेंस है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं डिफाइन एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन क्या होता है नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी भाई क्या बोलते हैं न्यूरो नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन्स बोलते हैं एग्जैक्टली exactly. हाँ एंड ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग लेवल फॉलोइंग ऑर्गन एक्सक्रिटरी सिस्टम फ्रॉम यूरिन इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम द किडनी यूठ्रा बोलते हैं इसको स्टोर यूरिन अंटिल द इस पास होती है इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं ना भाई साहब चलो देख लेते हैं भाई साहब ये देखिए एक्सक्रीशन क्या होता है एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय द विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज मेटाबोलिक वेस्ट में खाना पचाने के बाद जो वेस्ट बचता है इज एंड अदर नॉन यूजफुल मटीरियल सच इज द क्या है भाई साहब ये फेसिस है ना क्या बोलेंगे इसको आर the फ्रॉम दर्गेनिज्मिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी भाई साहब ये बनाया किसका है किडनी का डायग्राम है आपका है ना ये लेफ्ट किडनी है ये यूरेटर है और ये आपकी क्या है यूरिनेटि ब्लैडर है जहाँ पे एकत्रित होता है और ये है राइट right किडनी चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर नाइनटीन दिख गया बेटा यूरेटर ये जो नली आई हुई ना इसी को तो यूरेटर बोलते हैं हाँ है ना चलो भाई साहब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 राइट ए फंक्शन फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना ह्यूमन का आपको फंक्शन बताना है ओवरी का बताना है ओविडक्ट का बताना है एंड यूरिट्रस का बताना है डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा प्लेसेंटा का फंक्शन आपको बताना है प्लेसेंटा यानी वो जो नाड़ा जो रहता है ना भाई बच्चों के पेट में खाना खिलाने कनेक्ट रहता है उसको बोलते हैं हाँ चलिए ओवरी प्रोड्यूसेज द एग ओवम एंड फीमेल हॉर्मोन एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्ट्रोन हाँ ओवी डक्ट क्या करता है फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इट इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन ये भाई पूछा भी गया है कि साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन कहता है ओवी डक्ट होता है इज द साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो एम्ब्रो जहां पर जाकर के डेवलप होता है उसको यूरेट्रस बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेस एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा प्लेसेंटा का ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रीशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रो एंड रिमूव द एक्सक्रीटरी सबस्टांस फ्रॉम एम्ब्रो इन टू द मदर्स ब्लड ठीक है तो चलिए अब बात करते हैं विजन के डिफेक्ट की तो विजन का डिफेक्ट मेरे ख्याल से हट चुका है ना है चलिए ए स्टूडेंट अनएबल टू सी द क्लियरली वर्ड्स रिटन इन द ब्लैक बोर्ड प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ द अप्रॉक्सिमेटली थ्री मीटर फ्रॉम हिम एक बंदा है जो अपने से तीन मीटर की दूरी पर एक ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है और वो उसको देख नहीं पा रहा है यहां से तीन मीटर की दूरी पर एक ब्लैक बोर्ड रखा उसको देख नहीं पा रहा है नेम द डिफेक्ट विजन ऑफ द बॉय सफरिंग फ्रॉम भाई इसको मायोपिया है स्टेड द पॉसिबल कॉजेज फॉर द डिफेक्ट एंड एक्सप्लेन द मैटर ऑफ करेक्टिंग भाई साफ कॉनकेव लेंस लगाओ क्या लगाओ mm -hmm. कॉनकेव लेंस उसके बाद है वाई डू स्टार्ट ट्विंकलिंग स्टार्ट क्यों ट्विंकल करते हैं चलिए आइए देखते हैं डिफेक्ट ऑफ द विजन मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस बोलते हैं इसको दोनों एक ही चीजें कॉजेज ऑफ द मायोपिया बाई एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस आप एक्सेसिव कर्वेचर आंख आपकी लंबी हो जाएगी तो आपका जो फोकस है वो पहले ही हो जाएगा बोलो हाँ है ना है ना या तो हाँ तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और आई लेंस बिकम मोर या का लेंस क्या पहले ही कन्वर्स कर देगा या एलोंगिनेशन देखो मैंने बॉल को लंबा कर दिया या एलोंगे ऑफ आई बॉल आई बॉल क्या होगी लंबी हो गई करेक्शन बाय यूज ऑफ द कॉन्विक सुटेबल पावर ऑफ द फोकल्ट कैन भी करेक्टेड बोलो क्लियर है बच्चों चलिए ये हो गया अब इसके बाद है राइट द फंक्शन ऑफ द ईच ऑफ दार्ट ऑफ द ह्यूमन आई क्यों ह्यूमन आई है तो भाई कर्निया का कोर्निया बताना है आयरस बताना है क्रिस्टलाइन लेंस बनाना है और सिलियरी मसल के पार्ट ऑफ को फंक्शन बताने तो कोर्निया क्या होता है भाई साहब देखिए सारे फंक्शन बताएंगे कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दोबारा आ गया भाई साहब कोई बात नहीं है चलिए ये देखिए अच्छा ये पूरा नहीं हुआ था हाँ बेटा ये डायग्राम अच्छे से याद कर लो ये देखो भाई साहब यहाँ पर आपके पास जो ये खराब आँख है कैसी आँख है खराब है माई ओ का ही है तो आपके पास देखो यहाँ से लाइट आई है लाइट आकर के पहले ही फोकस हो गई बोलो हाँ ना अब इसको करेक्ट करने के लिए देखो इसका जो है इसका जो फार पॉइंट है इन्फिनिटी पे चला गया है कहाँ चला गया है इन्फिनिटी पे अब इसको फार पॉइंट को समिट करके यहाँ लाना है मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे बैठा था उसको साफ आंख तो देख सकती थी बट मायोपिक माओपिकाई नहीं देख सकती थी तो हमको महसूस कराना है आंख को कि भाई साहब जिस चीज को तुम यहाँ पे देख रहे हो एक्चुअली तुम्हारे यहाँ बैठा हुआ है हाँ है ना yes. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रख देता हूँ ये वाला लेंस देखो इसको yes. हाँ कौन के लेंस रख दिया इसको अच्छे से देखो एक कमाल क्या करता है अच्छे समझ में आएगा देखो ये लेंस आपने यहां पे रख दिया है तो यहां से जो लाइट आती है ये लाइट आती है ये क्या करता है इनको इनका इसको समेट करके ये इनकी वर्चुअल इमेज यहां पे बना देता है हाँ मतलब जो भी यहाँ बैठा होगा मान लो यहां पर अंकल खड़े हैं कौन खड़े हैं अंकल तो अंकल की वर्चुअल इमेज यहां पर बना दिया इसने तो मतलब जो फार पॉइंट इन्फिनी था वो खसक करके कहाँ आ गया आगे आ गया कहाँ आ गया आगे मतलब आँख के पास में आ गया तो इसने यहां पर इसको बना दिया था तो, तो आपसे कोई पूछे कि हेल्दी आई का फार पॉइंट कहाँ होता है हेल्दी आई का तो कहाँ पे होता है पे होता है मगर जो अनहेल्दी आई होती है उसका फार पॉइंट खसक करके आँख पास में आ जाता है बोलो हाँ है ना तो अब इसके बाद कौन के लेंस का इस्तेमाल किया था उसने वर्चुअल इमेज बना दी अब यहाँ से ऑब्जेक्ट चला बोलो ये सो नो तो ऑब्जेक्ट चलेगा यहाँ से तो कहाँ से इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगा और डाइवर्ज होने के बाद लेंस इसका प्रॉपरली इमेज यहाँ पर बनाएगी बोलो समझ में आ गया और अगर डायरेक्टली ये यहाँ पर आता सीधे सीधे तो पहले ही बना देती क्योंकि रेस सीधे आ रही थी बोलो ये सो नो तो ये है करेक्शन ऑफ मायोपिया करेक्शन ऑफ मायोपिया ठीक है बोलो क्लियर हो गया अब चलिए अगला कह रहा डू डू सन अर्ली इन द मॉर्निंग वॉट विल दिस फिनोमिन इज ऑब्जर्व बाई एस्ट्रोनॉट ऑन द मून गिव रीजन फॉर जस्टिफाई योर आंसर कह रहा है कि बताइए कि एस्ट्रोनॉट जो है एस्ट्रोनॉट जो होता है बेटा देखो एट <coughs> कह रहा है कि बताइए जो हमारा आसमान होता है वो हम लोग को लाल क्यों दिखाई देता है यस ड्यू टू आंसर है ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन द डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द एयर कीप्स चेंजिंग ड्यू टू विच द एपरेंट इमेज ऑफ द स्टार सॉरी ये स्टार के ट्विंकलिंग का क्वेश्चन मैंने जवाब दे दिया है वाई डू स्टार ट्विंकल सॉरी पहले ये आएगा तो द डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द एयर कीप्स चेंजिंग ड्यू टू विच देंट इमेज ऑफ द स्टार कीपिंग ऑन चेंजिंग द चेंजिंग पोजिशन ऑफ द स्टार एपियर्स इज द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार ये मैंने बताया था बोलो क्लियर हो गया अब कॉर्निया के फंक्शन देख लो भाई कॉर्निया क्या करती है कॉर्निया इट फोकस द लाइट रेज एंड परमिट द लाइट तो इंटर टू दाई मतलब जो कॉर्निया होता है जो पहला पार्ट होता है आंख का वो क्या करता है लाइट को परमिट करता है आंख के आने के लिए दूसरा पार्ट है आइरिस है इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ आयरिस आयरिस जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है खुलता है हाँ और ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है इट आल्सो कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल मतलब आयरिस जितना चाहेगा उतनी ही लाइट प्यूपिल के अंदर जाएगी क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है इट कर, इट कन्वर्जेस लाइट इंटू रेटिना जो कन जेली लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ लेंस होता है ये लाइट को क्या करता है कन्वर्स करता है रेटिना पे सिलेरी मसल क्या होती है इट एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बाई कंट्रेक्शन दबा करके और रिलैक्स होकर रिलैक्सेशन सो दैट द शार्प इमेज कैन बी ऑप्टेंड ऑन द रेटिना इट हेल्प ऑन द एकोमोडेशन एकोमोडेशन मीन्स एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ओके यस चलिए इसका लास्ट

जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है जैसे रेड उनकी स्कैटरिंग होती नहीं है लाइक रेड रीच आवर आई सो द सन एपियर्स रेड इज इली इन द मॉर्निंग दिस फिनन इज नॉट ऑब्जर्व बाई द एस्ट्रोनॉट ऑन द मून क्यों भाई क्योंकि मून पर कोई एटमोसफियर नहीं है वो लोग क्लियर हो गया तो बच्चों कल बाकी का पेपर करेंगे आई होप आप लोग को ये पेपर बड़ा अच्छा लगा होगा सर बड़ा फास्ट तरीके से थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी